नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस की एक और नए कलरफुल वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे कलरफुल प्लांट्स और फ्लावर्स, ये अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने नजदीक की नर्सरी में गई थी, तो वहाँ मैं ये इतने सारे कलरफुल प्लांट्स देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं कुछ पौधे ये ले आई हूँ सीजनल प्लांट्स के। ये देखिए, ये इसमें मेरे पिटोनिया है और पैंजी है और सिनेरिया के पौधे हैं। ये देखिए मेरा पैंजी है, कितना कलरफुल और कितना प्यारा लग रहा है। और ये है मेरा पिटोनिया, ये देखिए पिंक कलर का, पिंक और व्हाइट कलर की पिटोनिया है। और ये है हमारा रेड कलर की पिटोनिया। तो ये एक मैं छोटा सा स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट लेकर आई हूँ इन्हीं प्लांट के साथ, ये देखिए। तो दोस्तों, ये कलरफुल मेरे जो प्लांट हैं, अगर मैं इन कलरफुल प्लांट्स को अपने कलरफुल डीआईवाई प्लांटर्स में लगाऊं तो इनकी खूबसूरती कितनी बढ़ जाएगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी शिफ्टिंग का काम। तो दोस्तों, ये देखिए, कुछ महीने पहले ही मैंने अपने ऑयल कैन रीयूज पर एक वीडियो डाला था। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने पहले गेंदा लगाई थी तो जिसमें काफी फ्लावरिंग हुई। और ये देखिए, अब ये फ्लावरिंग भी इसमें खत्म हो गई है, पौधे भी सूखने लगे हैं। तो मैं इन्हें शिफ्ट करके जो नए पौधे लाई हूँ उन्हें इनमें लगा दूंगी। तो उसे लगाने से पहले क्यों ना इनकी थोड़ा सा लुक चेंज कर दिया जाए। तो ये देखिए, ये मैंने सारे एक जगह इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं इनमें इन सारे पौधों को एक एक करके निकाल लूंगी। ये देखिए, मैं सारे पौधे सहित सारी मिट्टी बाहर निकाल लूंगी। ये अच्छी तरह से करना है ताकि हमारा कैन, ये जो प्लांटर है, टूटे ना। वैसे काफी मजबूत होते हैं, इतनी आसानी से मतलब काफी टाइम चल जाते हैं ये प्लांटर। मेरा इसको करीब साल भर हो गया है इन प्लांटर्स को। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इन पौधों को निकाल लूंगी बाहर और सारी मिट्टी भी खाली कर लूंगी। ये देखिए, मैंने इस तरह एक एक करके सारे प्लांटर्स की मिट्टी बाहर निकाल दी है, सब पौधों को बाहर निकाल दिया है और उनको अच्छी तरह से, ये देखिए, सारी मिट्टी बाहर निकाल करके मैं इनको साफ कर लूंगी। ये सारे पॉट की मिट्टी मैंने बाहर निकाल ली है और सभी प्लांटर्स को खाली कर लिया है। उसके बाद इनको कपड़े से साफ कर लेंगे, फिर ये मैं कलर कर दूंगी इसमें। ये मेरे घर का बचा हुआ वेस्ट कलर था जो मैं यहाँ पर इसको यूज कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे प्लांटर्स में कलर कर लिया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और सब में मैंने अलग अलग कलर किया है। और अब मैं इसमें कुछ डिजाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद मैं इसमें कलर कर देती हूँ।
ये मैं एक लेडी का फेस बना रही हूँ, लिप्स में कलर कर रही हूँ। जो पहले इसमें डिजाइन था वही मैं बना रही हूँ, बस मैंने कलर थोड़ा चेंज किया है क्योंकि वो डिजाइन मुझे बहुत पसंद था, तो सेम वही मैं रख रही हूँ। और इनमें मैं मेरे ये जो पिंक कलर मैंने किया है इन प्लांटर्स में, ये मेरे पास वेस्ट बची हुई वो थी, टेप थी जो हम बच्चों के DIY में यूज करते हैं, वो लगा दूंगी। अब बारी आती है हमारे प्लांट्स को शिफ्ट करने की। ये मेरा सिनेरिया का पौधा है। इन सब की जो मैंने मिट्टी निकाली थी पहले प्लांटर्स की, तो उसमें मैंने खाद वगैरह मिक्स करके मिट्टी तैयार करके रखी थी। अब हम इनको शिफ्ट करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सिनेरिया का पौधा मेरा। और मैं ये मेरा पिंक कलर का है तो मैं इसको ब्लू प्लांटर्स में लगा दूंगी। तो मेरे सारे प्लांटर्स और जो कलरफुल प्लांट थे ये इसमें शिफ्ट होके तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, अलग अलग इमेज बनाई है मैंने इनमें और कलरफुल कलर किया है। पिटोनिया कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है पिटोनिया में। ये देखिए पिटोनिया, ये मेरी सिनेरिया है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से मैंने उन्हीं पुरानी ऑयल केन्स को दोबारा से कलर करके उनमें दोबारा फिर यूज किया है और कम खर्च में कितने प्यारे प्लांटर्स तैयार करें। तो इसी तरह आप भी अपने गार्डन को नया लुक दे सकते हैं, पुरानी वेस्ट चीजों से उनको दोबारा से रीयूज करके कलर करके अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर आप अपने गार्डन को सुंदर और प्यारा लुक दे सकते हैं। आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने गार्डन लवर फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।